नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के मौके पर सभी देशवासियों को दी बधाई। चांद देखने के बाद आज से शुरू हुए रमजान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि रमजान मुबारक हो, मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि की कामना करता हूं। यह पवित्र महीना दया, सद्भाव और करुणा की भावना लेकर आए, हम कोरोना से जारी जद्दोजहद में एक जीत हासिल करेंगे और एक स्वस्थ गृह बनाएंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रमजान की बधाई देते हुए सभी की खुशहाली की कामना की। वहीं सोशल मीडिया पर भी सुबह से रमजान की बधाई संदेश देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ आज से सभी दुकानों को खोलने की दी अनुमति। आज से केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके तहत बीते दिन गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ कर दिया था कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा में नहीं आती है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अभी साफ कह दिया है कि दुकान खोलने के लिए सभी दुकानों का स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। वहीं जो भी दुकान आज से खुलेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी दुकान में 50% से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ सभी दुकानदारों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट हॉटस्पॉट इलाकों के लिए लागू नहीं की गई है। खेती के लिए किसानों को हर मुमकिन लाभ दिए जाने की कही गई बात। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती के लिए सभी राज्यों के किसानों को उम्दा तरीके का लाभ देने की बात कही है। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के प्रचार प्रसार पर खास जोर देने की अपील भी की है, जिससे कि किसान खुद से प्रेरित होकर मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और उस अनुरूप पूर्वक तथा सूक्ष्म पोषक तत्व का ही उपयोग करें। इसके आगे उन्होंने कहा कि जो स्वयं खेती के लिए कुछ उम्दा और तौर तरीके को अपनाते हैं, उनके व्यवसायीकरण हेतु प्रयास किया जाना अनिवार्य हो, जिससे कि अभी सभी को अधिकतम लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने पर भी विचार विमर्श किया। आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उक्त बातें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और शिक्षा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक के दौरान कही है। IIT दिल्ली ने बनाया कोरोना टेस्ट का सबसे सस्ता जांच किट। भारत में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके तहत IIT दिल्ली ने किट की समस्या को सुलझाते हुए सबसे सस्ती जांच किट का निर्माण किया है। वहीं ICMR ने भी तैयार की गई किट को मंजूरी दे दी है। खबरों की माने तो तैयार किए गए इस किट से जांच सस्ती होगी, साथ ही सटीक परिणाम भी आएंगे। जिसके तहत IIT के निदेशक प्रोफेसर राम गोपाल राव ने बताया कि स्टेट में एक टेस्ट की कीमत सिर्फ 300 होगी और यह किट भी अन्य किट के मुकाबले काफी तेजी से काम करेगी। हालांकि इस किट को जनवरी महीने में तैयार किया जा रहा था, वहीं 3 महीने के बाद इसका काम पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद दिल्ली IIT ऐसा करने वाला पहला संस्थान बन गया है। WHO प्रमुख ग्रेब्रीसियस ने सभी देशों से धैर्य के साथ काम करने की अपील। कोरोना के जारी जद्दोजहद में WHO ने सभी देशों के एक बार फिर से अपील करते हुए COVID-19 की परीक्षा में संयम और धैर्य के साथ काम करने की अपील की है। इसके साथ ही WHO ने COVID-19 के विकास की गति में तेजी लाने के लिए वैश्विक नेताओं और निजी क्षेत्र के साथ हाथ मिलाने की बात भी कही है, ताकि सभी एक साथ मिलकर समान रूप से इसके इलाज को सुनिश्चित कर सके। इसके साथ ही WHO प्रमुख ने भी यह भी कहा है कि COVID-19 की इस परिस्थिति में सभी साधनों का हर जगह पर पहुंचना अभी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। आपको बता दें, WHO प्रमुख ने उक्त बातें वर्चुअल बातचीत के दौरान कही है, जहां पर इस कार्यक्रम की सह मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मिलिंडा गेट्स ने की थी, जहां पर एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के स्पीकर के तौर पर शामिल हुए थे। सरकार छोटे दुकानदारों के लिए बनाएगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। छोटे दुकानदारों के लिए सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत 7 करोड़ खुदरा कारोबारियों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसकी जानकारी वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तहत दी गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बीते दिन बताया कि DPIIT की आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाली कंपनियों और स्टार्टअप के सहयोग से ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय किराना शॉप ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ग्राहकों तक सामान की डिलीवरी कर पाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। कोटा से 8 दिनों में भेजे गए 18,000 से ज्यादा छात्र। पिछले 8 दिनों में कोटा से 18,000 से ज्यादा छात्र अपने अपने गृह राज्य भेज दिए गए हैं। वहीं कोटा के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से छात्रों को भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है। बीते दिन शाम तक कोटा के कोचिंग से कई छात्र रवाना हुए हैं, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने इन सभी छात्रों के लिए 84 बसों का इंतजाम किया था। इतना ही नहीं, राजस्थान से कई छात्र जो कोटा में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी अपने जिले के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं आज सुबह 10 बजे अजमेर, रावभट्ट, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा समेत अन्य जिलों के लिए बस रवाना की गई है। हालांकि कोरोना के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों को रवाना करने से पहले उनके थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। इतना ही नहीं, शरीर का तापमान सही पाए जाने के बाद ही उन्हें रवाना किया गया। वहीं सभी छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर भी मुहैया करवाए गए हैं। दुनिया भर पर नजर रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में उठाए एहतियाती कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया से सीख लेते हुए भारत में कई एहतियाती कदम उठाए हैं, और यही कारण है कि भारत में कोरोना को रोकने में काफी असरदार साबित भी हुआ है, क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले COVID-19 का असर यहां पर फिलहाल कम है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो दुनिया भर के साइंटिस्ट डेवलपमेंट
पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार नजर रही है। यही वजह है कि जब WHO ने मास्क के लिए मना कर दिया तब देश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सूत्रों से पता चला था कि कोरोना के रोकथाम के लिए मास्क का पहनना बेहद ही जरूरी है और उसी दिन अमेरिका ने भी अपने यहां पर मास्क को अनिवार्य कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, HCQ के बारे में पता चलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को अधिसूचना जारी करते हुए आदेश जारी कर दी थी। केंद्र सरकार ने CEO के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की बात को लिया वापस। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी कंपनी का कोई भी कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव पाया जाता है तो उस कंपनी के CEO के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। इतना ही नहीं, किसी कर्मचारी के कोरोना प्रभावित पाए जाने के बाद कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी है। साथ ही मीडिया को गलत धारणा बनाने और लोगों तक गलत खबर पहुंचाने से भी, जिसके तहत उन्होंने अपने लिखे गए पत्र में इस धारणा का जिक्र करते हुए सभी को आगाह किया है, जिसमें यह कहा गया था कि यदि कारखाने में कोई कर्मचारी COVID-19 से प्रभावित पाया गया तो राज्य सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा सकती है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने साफ करते हुए CEO को क्लीन चिट दे दी है। फूड डिलीवरी कंपनियां कोरोना की परीक्षा में आई सामने। कोरोना के लगातार बढ़ते असर के बीच फूड डिलीवरी कंपनियों ने बखूबी सामने आकर लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और खाना पहुंचाने का काम किया है, जिसके लिए सभी कंपनियों को निर्देश जारी करके साथ साथ हाथ धोने के तरीकों के सख्ती से पालन करने, साथ ही उच्च स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया था। खाना बनाने से लेकर खाना पहुंचाने वाले कर्मचारी बार बार हाथ धोने और खुद को सैनिटाइज करते रहने का आदेश भी जारी किया गया था। वहीं सभी कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्टेड डिलीवरी का ऑप्शन भी अपनाते हुए लोगों की सेहत का ख्याल रखा था। डिलीवरी के इस प्रावधान से खाने पहुंचाने वाले आपके घर के दरवाजे पर खाना रखकर चला जाता है। इससे आम नागरिक किसी भी डिलीवरी बॉय से सीधे संपर्क में नहीं आते हैं। इसके साथ ही भोजन के घर के बर्तन में रखकर पैकेज को फेंकने का निर्देश भी दिया गया है। 9 महीने में 64% भारतीय करेंगे ऑनलाइन खरीदारी। कोरोना के बढ़ते असर के कारण सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य हो गया है और वहीं आने वाले समय में सामाजिक दूरी का प्रचलन बना रहेगा और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर होने लगे। IT कंपनी Capgemini द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 6 से 9 महीने में करीब 64% भारतीय उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी करने वाले। हालांकि अभी यह आंकड़ा 46% था, मगर आने वाले समय में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन खरीदारी करने वालों का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना के रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।